क्या आप फेसबुक एड्स की मदद से अपने कन्वर्जन्स और सेल्स बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं फेसबुक एड्स फनल कैसे क्रिएट किया जाता है? मैं आपको बताऊंगा आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट फेसबुक एड फनल कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फेसबुक एड्स के केस में मोस्टली लोग ये दो प्रकार की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं और जिससे उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। पहली मिस्टेक ये है कि वो गलत ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं, यानी कि मोस्टली लोग कन्वर्जन वाला ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं और जिसके कारण उनका कन्वर्जन बहुत महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पहले से ज्यादा कन्वर्जन होते नहीं है, जिस कारण फेसबुक के पास ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होते और इसलिए उनको कन्वर्जन काफी महंगे पड़ते हैं। दूसरी मिस्टेक्स जो अधिकतर लोग करते हैं वो ये है कि वो उनकी कोल्ड ऑडियंस को उनका मेन ऑफर पिच करते हैं, यानी कि जो उनका मेन ऑफर, जो उनका मेन एड है, वो एकदम नए लोगों को पिच करते हैं। तो जो लोग स्ट्रेंज रहते हैं, जो उनको अभी ज्यादा अच्छे से जानते भी नहीं, उनको जब वो ऑफर पिच किया जाता है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन जो है वो कम आता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड बहुत कम हो जाता है, इस कारण से उनको कन्वर्जन काफी कॉस्टली पड़ते हैं। फेसबुक एड फनल समझाने से पहले मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखना चाहूंगा। सिचुएशन ए, जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ पहली बार डेट पे जाता है, वो उससे आज पहली बार मिला है, दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बात कर रहे हैं और बातों बातों में वो लड़का उस लड़की को बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब इस बात की कितनी संभावना है कि वो लड़की हाँ बोलेगी, आप उसको साइड में रख लीजिए, जितनी भी संभावना है उसको साइड में रख लीजिए। सिचुएशन बी, एक लड़का एक लड़की के साथ डेट पे जाता है रेस्टोरेंट में, काफी बातें करते हैं, वो लोग आज पहली बार मिले, उसके बाद वो लड़का उसके घर पे जाता है, उसके फैमिली वालों से मिलता है, उसके बाद वो लड़का उस लड़की को कहीं और घुमाने ले जाता है। इस तरीके से दोनों के बीच में जान पहचान बढ़ती है और समय के साथ जान पहचान तो बढ़ती ही है, समय के साथ दोनों के बीच में ट्रस्ट भी बढ़ता है। और फिर एक दिन वो लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करो? अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेकंड सिचुएशन में वो लड़की हाँ ही कहेगी, बट हमको यहाँ पे ये कंपेयर करना है कि जो सिचुएशन ए है और जो सिचुएशन बी है, उसमें हाँ होने की प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हाँ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड सिचुएशन में ज्यादा है और पहली सिचुएशन में कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली सिचुएशन में अभी उनकी जान पहचान नहीं हुई है, ट्रस्ट नहीं बिल्ट हुआ है, रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा डिसीजन वो इतनी जल्दी नहीं ले सकती। जबकि सेकंड सिचुएशन में जो है वो एक दूसरे को काफी जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, उन्हें कुछ समय साथ में बिताया है, तो अब वो इस बारे में सोच सकते हैं कि डिसीजन हाँ लेना चाहिए या नहीं। एटलीस्ट वो कंफर्टेबल है ये क्वेश्चन पूछने के लिए और वो कंफर्टेबल है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। दोस्तों, जब हम एड चलाते हैं तब हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम एड चला रहे हैं वो इसी तरीके से चला रहे हैं कि हम भी ह्यूमन है और जो एड देख रहा है वो भी ह्यूमन बींग है। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जान पहचान होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ट होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ट होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके बाद अगर कोई बड़ा डिसीजन या बड़ा क्वेश्चन आता है तो लोग कंफर्टेबली उसका जवाब दे पाते हैं और पॉजिटिव डिसीजन भी ले पाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जैसे हमारी रियल लाइफ में एक सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स होते हैं, उसके बाद हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, वैसे ही मार्केटिंग में या स्पेशली फेसबुक एड्स मार्केटिंग में भी मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंसेस ऑफ डिसीजंस होते हैं, उसके बाद लोग कन्वर्जन देते हैं, यानी कि डिसीजन लेते हैं और आपकी सेल्स होती है। इसलिए हमको फेसबुक एड्स फनल का यूज करने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। अगर आप विदाउट फनल डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो जैसे कि आपके ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आपके कन्वर्जन्स आपको महंगे पड़ेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कॉस्टली पड़ेगा और आपकी सेल्स भी डाउन जाएगी, आपको एड कॉस्टली पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली ये कि फेसबुक एड फनल कैसी होनी चाहिए और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि वो फनल को कैसे सेटअप करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ATM फॉर्मूला वाली फेसबुक एड फनल का यूज करेंगे, यानी कि अवेयरनेस, ट्रस्ट एंड मोनिटाइजेशन, यानी कि पहले सही लोगों तक पहुंचो, फिर उनके साथ ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करो और फिर उनको ऑफर देके कन्वर्ट करो। चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं कि कन्वर्जन कैसी है। तो दोस्तों, फनल को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। अवेयरनेस के लिए दोस्तों हम एक जनरल टाइप का वीडियो चलाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होगा और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो भी लोग हमारे वीडियो में इंटरेस्ट लेते हैं उन लोगों की हम एक अलग ऑडियंस बनाएंगे और फिर हम उस ऑडियंस का यूज करके लुकअलाइक ऑडियंस बनाएंगे और लुकअलाइक ऑडियंस से उस ऑडियंस को ग्रो करेंगे, बड़ा करेंगे। फिर जब हमारे पास काफी ज्यादा लोग हो जाएंगे जिन लोगों ने हमारा जर्नल या इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा हुआ है, उसके बाद हम उनको और वैल्यू कंटेंट देंगे, यानी कि हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है अब उनके साथ। अवेयरनेस हो गई, हमको कुछ वार्म ऑडियंस मिल गई,
अब उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमको उनको और ज्यादा वैल्यू देना है। और ज्यादा वैल्यू देने के लिए दोस्तों आपको और अलग अलग सेट ऑफ वीडियोस उनको दिखाने पड़ेंगे, अलग अलग वैल्यू कंटेंट उनको देना पड़ेगा, जिससे हम उनको ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, रिलेशनशिप समझ पाए और वो भी हमें समझ पाए कि भाई हम एग्जैक्टली क्या करते हैं और हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर इस तरीके से दोस्तों कुछ समय जाएगा, कुछ पैसा जाएगा और कुछ कंटेंट जाएगा। कुछ समय के बाद हम उसको भी फिल्टर कर लेंगे कि जिन लोगों ने हमारे सारे वैल्यू कंटेंट में इंटरेस्ट लिया है उन लोगों को फिर हम हमारा फाइनल ऑफर दिखाएंगे। फाइनल ऑफर हम उन लोगों को दिखाएंगे जो लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं या हमारे अदर वैल्यू कंटेंट में ज्यादा एंगेजमेंट दे चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों हमको अल्टीमेटली ज्यादा कन्वर्जन मिल पाएगा। अब चलिए हम इसको टेबल में डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फनल कुछ इस तरीके से रहेगी। ATM फनल, ATM अवेयरनेस ट्रस्ट एंड मोनिटाइजेशन, यानी कि मोनिटाइज करना। और जब हम इस लेवल पे पहुँचेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा पैसा, यानी कि ज़्यादा सेल्स एंड ज़्यादा कन्वर्जन। तो अगर ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा कन्वर्जन चाहते हैं तो हमको ये फनल फॉलो करने की ज़रूरत होती है, ATM अवेयरनेस ट्रस्ट एंड मोनिटाइजेशन। तो दोस्तों इस शीट की मदद से मैं आपको पूरा फनल का सेटअप बताऊंगा और आप चिंता मत कीजिए, ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस शीट की लिंक मिल जाएगी जहां से आप ये शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मान के चलते हैं कि आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, तो जीरो ऑडियंस यानी कि स्क्रैच से अगर हमको शुरू करना है तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अवेयरनेस स्टेज में दो लेवल होंगे, लेवल वन जहां पे आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, यहां ऊपर सेक्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहले कॉलम पे लिखा हुआ है स्टेजेस, सेकंड में टारगेट, थर्ड में व्हाट टू डू, कंटेंट टाइप, फिर उसके बाद लिखा है एक्सक्लूड, आउटकम क्या होगा उसका, और फिर उसके बाद अगर उसमें कोई प्रो टिप अप्लाई होती है तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करें। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका ऐड होगा उसमें टारगेटिंग आप इंटरेस्ट बेस्ड करेंगे, यानी कि आप अपने हिसाब से देखेंगे क्या इंटरेस्ट हो सकता है ऑडियंस का, वो आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू सेक्शन में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जनरल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो या एंटरटेनिंग वीडियो उसमें रखेंगे, ठीक है। उस कंटेंट का हम नाम देंगे वन, यानी कि ये वाला जो वीडियो सबसे पहले अवेयरनेस के लिए यूज़ किया जाएगा। अब दोस्तों जब हम ऐड चलाते हैं तो हमको कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी करना पड़ता है। तो एक्सक्लूड हम किसको करेंगे, एक्सक्लूड हम उसको करेंगे जो ऑलरेडी वार्म ऑडियंस है, जो ऑलरेडी हमको जानती है, हमको समझती है, यानी कि हमारे वेबसाइट विजिटर या जिन लोगों ने हमारे वीडियो को ऑलरेडी 25% से ज़्यादा देख रखा है या थ्रू प्ले कर रखा है, यानी कि 15 सेकंड से ज़्यादा देख रखा है, उन लोगों को हम इस ऑडियंस में एक्सक्लूड कर देंगे। और दोस्तों ये करके हमको क्या मिलेगा, आउटकम हमको क्या मिलेगा, हमको आउटकम मिलेगा एक नई ऑडियंस मिलेगी जिसने हमारे वीडियो को या तो 25% देखा हुआ है या थ्रू प्ले किया हुआ है। दोस्तों यहाँ थ्रू प्ले और 25% मैंने ऑप्शन में रखा है। अगर आपका वीडियो काफ़ी बड़ा है तो आप उसको 25% या थ्रू प्ले पर रख सकते हैं, अगर आपका वीडियो काफ़ी छोटा है तो उसको आप 25% 50% भी कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे टिप्स हैं कि आपको किस तरीके का अवेयरनेस वीडियो यूज़ करना है, किस तरीके का कंटेंट यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली आप यहाँ पे दो टाइप का कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनिंग कंटेंट जिसमें आपकी ब्रांड स्टोरी, वायरल कंटेंट या बिहाइंड द सीन्स वाले वीडियोस हो सकते हैं, या तो आप अपना एजुकेशनल कंटेंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बताएंगे, हाउ टू कंटेंट होगा जिसमें किसी चीज़ को करना बताया जाएगा या किसी चीज़ की क्रिएटिव प्रोसेस बताई जाएगी, या तो फिर आप बता सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है उसको डिटेल में आप समझा सकते हैं। अब दोस्तों लेवल वन के हिसाब से एक बार अगर आपकी ऑडियंस बन जाती है जो कि 1000 से ज़्यादा है, उन लोगों की जिन लोगों ने आपकी वीडियो को या तो 15 सेकंड देखा हुआ है या जो भी आप क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं या 15-25% देखा हुआ है, उन लोगों की अगर आपकी एक बार ऑडियंस बन जाती है तो अब आप आ सकते हैं लेवल टू पे। लेवल टू में दोस्तों टारगेटिंग क्या करनी है, जो हमारी कस्टम ऑडियंस बनी है उस कस्टम ऑडियंस का हमको लोकल लाइक ऑडियंस बनाना है, यानी कि 25% जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा है उन लोगों की लोकल लाइक बनानी, या तो थ्रू प्ले जिसने किया है उसकी हमको लोकल लाइक बनानी, या तो फिर आपके पास ऑलरेडी अगर ऑडियंस लेवल टू में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है या वेबसाइट विजिटर्स हैं, तो वेबसाइट विजिटर्स के या प्रीवियस परचेस हिस्ट्री के आपसे भी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। दोस्तों एक बार लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के बाद आपको सेम कंटेंट ही यूज करना है, सेम कंटेंट यूज करके सेम एक्सक्लूजन रखना है आपको यहाँ पे, और इसका आउटकम ये होगा दोस्तों कि जो अभी आपकी 1000-1200 जो आपकी ऑडियंस बनी है अब वो और ज़्यादा ग्रो हो पाएगी और थोड़े सस्ते दामों पे ग्रो हो पाएगी, क्योंकि अब आप इंटरेस्ट बेस्ड नहीं चल रहे हैं, अब आप लुक लाइक के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि फेसबुक अब उन लोगों को आपका वीडियो दिखा रहा है जिन्हें उसे लगता है कि वो लोग आपके वीडियो या आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक एडिशनल टिप ये होगी कि आप लुक अलाइक में भी अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ में तो सामने वाले को इंटरेस्टेड होना ही चाहिए तभी वो मेरा राइट कस्टमर बन सकता है, तो वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट आप नैरो करके अपनी लुक अलाइक ऑडियंस में डाल सकते हैं ताकि आपको लुक अलाइक ऑडियंस और ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा इफेक्टिव
रिजल्ट दे पाएगी। इस तरीके से दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी 10,000 लोगों की कस्टम ऑडियंस बन गई है, जिन लोगों ने आपके वीडियो को 25 सेकंड से ज़्यादा देखा है या आपके वीडियो को थ्रू प्ले किया हुआ है। अब हम आते हैं ट्रस्ट के लेवल 1 में, जहाँ पे हम उस कस्टम ऑडियंस का यूज़ करेंगे, यानी कि हम टारगेट करेंगे कैसे, वो 10,000 लोग जो हमारे वीडियो को 25% ऑलरेडी देख चुके, कौन से वीडियो को, जो हमने लेवल 1 में यूज़ किया था। अब इन लोगों के साथ हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमको अब इनको कुछ नया नया कंटेंट दिखाना पड़ेगा, अलग अलग कंटेंट दिखाना पड़ेगा, ताकि हम इन लोगों को वैल्यू दे सकें, इसी तरीके से हेल्प कर सकें और इनका ट्रस्ट विन कर सके। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो कंटेंट यूज़ करना है वो आप अलग अलग प्रकार के वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है वीडियो 2, 3, 4, आप 5, 6, 7, मतलब 3-4 वीडियो या 5-6 वीडियो का आप एक सीरीज़ बना सकते हैं जो आप इन लोगों को पिच करेंगे। इसमें कोई ऑफर आप नहीं देंगे, बस आपका ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, ये बस इन लोगों के पास जाएगा और इनसे इन लोगों को हेल्प मिलेगी, इन वीडियो से इन लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसमें दोस्तों एक्सक्लूड किसे करना है, लेवल 1 ऑफ ट्रस्ट में आपको एक्सक्लूड करना है उन लोगों को जो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, उनसे आपको वापस से रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी बना बनाया रिलेशनशिप है, तो उन लोगों का कंटेंट अलग रहेगा, ये फनल में वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे। इसका आउटकम आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसका आउटकम आपको ये मिलेगा लेवल 1 का, कि आपका और आपके जो कस्टमर्स आए हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ट होएगा, एक ट्रस्ट बिल्ट होगा। अब दोस्तों हम आते हैं लेवल 2 ऑफ ट्रस्ट, ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों क्योंकि अगर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है अगर वो ज़्यादा कॉस्टली है तो आपको लेवल 2 पे जाना चाहिए, लेकिन अगर वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 500-1000 रुपये की रेंज में आता है, तो आप लेवल 1 से भी काम चला सकते हैं। लेवल 2 इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टली होगा तो उसके लिए ट्रस्ट भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ट्रस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए अभी हम जो 2, 3, 4 वीडियो चलाए थे, अब हम उसके आगे एक और चीज़ करेंगे कि जिन लोगों ने हमारे 2, 3, 4 वीडियो देखे हैं उनकी हम ऑडियंस बनाएंगे, यानी कि उस वीडियो को देखने वाले लोगों की थ्रू प्ले या 25% वाली ऑडियंस बनाएंगे, कस्टम ऑडियंस, और उस कस्टम ऑडियंस को हम लीड मैग्नेट देंगे, यानी कि हम उनको कुछ फ्री रिसोर्स दे सकते हैं, या हम उनको कोई फ्री कोर्स दे सकते हैं, या हम उनको कोई PDF डाउनलोड करवा सकते हैं, या कोई चेकलिस्ट दे सकते हैं जो कि थोड़ी ज़्यादा वैल्यूबल है उन वीडियोस से जो हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, और थोड़ी सी और ज़्यादा वैल्यू हम उनको सर्व कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ एक्सक्लूड करना है दोस्तों, इसमें भी वापस उन्हीं लोगों को एक्सक्लूड करना है जो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, और यहाँ पे हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हमको और ज़्यादा ट्रस्ट मिलेगा, और ज़्यादा रिलेशनशिप हमारा हमारे कस्टमर के साथ बिल्ट होगा। अब आती है दोस्तों लास्ट स्टेज, यानी कि मोनेटाइज वाली स्टेज। इस स्टेज तक कौन लोग पहुंचेंगे, इस स्टेज तक वो लोग पहुंचेंगे जिन लोगों ने आपका फ्री कोर्स एनरोल किया है, या तो आपका लीड मैग्नेट डाउनलोड किया है, या तो आपने जो भी सर्विस एक्सक्लूसिव दी थी लेवल 2 में उसको उनने कंज्यूम किया है, उन लोगों को हम कंसिडर करेंगे मोनेटाइज स्टेज के लिए, यानी कि वो हमारी हॉट ऑडियंस हो गई, हॉट ऑडियंस को हम यहाँ पर ऑफर पिच कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हमको अब यहाँ पे क्या करना है, उनको हम फाइनल ऑफ़र यानी कि फाइनल ऐड जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में हम उनको कुछ ऑफ़र दे सकते हैं या ऐड शो कर सकते हैं, और अब इनको हम हमारे ऑफ़र वाले लैंडिंग पेज पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें किसको एक्सक्लूड करना है दोस्तों, इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ तक ही मुश्किल से कुछ लोग पहुँचते हैं। इससे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, इससे हमको ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा, हायर कन्वर्जन, बेटर सेल्स एंड मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इससे मिल पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से एक हाईली कन्वर्टिंग फेसबुक एड फनल बना सकते हैं, यानी कि पहले आपको अवेयरनेस करनी है, फिर ट्रस्ट बिल्ड करना है, और अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो थोड़ा और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना है, और फिर उसके बाद आपको मोनिटाइज करना है यानी कि ऑफर पिच करना है, और फिर देखना है कितना कन्वर्जन होता है। दोस्तों ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि हम बीज बोते ये उम्मीद नहीं करते कि आम के फल गिरने लग जाएंगे, क्योंकि आम का पेड़ उगने में समय लगता है और पेड़ के उगने तक हमें उसे नरिश भी करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों हमको लोगों को एकदम अप्रोच ऐसे नहीं करना है कि हम लोगों को ऐड दिखाएंगे और वो खरीदने लग जाएंगे और हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। दोस्तों लोगों से जान पहचान बनानी पड़ती है, लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद हम ऑफर पिच करते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी लगेगा। अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे ऐड चलाएंगे, वीडियो व्यूज वगैरह वगैरह, तो इतना खर्चा होगा। थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि डायरेक्ट ऐड चलाएंगे और आपका सेल्स हो जाएगा, तो वो सेल्स आपको इस फनल्स के कंपैरिजन में तो 100% महंगा ही पड़ने वाला है। एंड दूसरी बात दोस्तों, वीडियो व्यूज जो है एक नए जमाने की फनल है जो कि बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि जब भी आप कैंपेन ऐड चलाते हैं यानी कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव वाली ऐड चलाते हैं वो आपको कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि फेसबुक उसमें बहुत सोच समझ के लोगों को दिखाता है। लेकिन वीडियो व्यूज जो है वो फेसबुक खुद भी चाहता है कि लोग वीडियो व्यूज चलाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि ज्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म पे एंगेज रहते हैं।
इसलिए आपको वीडियो व्यू सस्ता होने का भी फायदा मिलता है यहाँ पे और आप एक राइट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं और इस तरीके से दोस्तों अल्टीमेटली आपको कन्वर्जन जो है बहुत सस्ते पड़ते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इसमें अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए फेसबुक प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं और अगर आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ ज्यादा सीखना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं।